नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग रश। अभी हम लोग पवन खिंड की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से डिस्टेंस अराउंड 64 किलोमीटर है और एक से डेढ़ घंटे की जर्नी है, तो आप वो देखिए। धन्यवाद। तुझ्या ह्याच्यात मॅप आहे ना? हम लोग अभी कोल्हापुर के आउटस्कर्ट में पहुंच चुके हैं। कोल्हापुर से पनागढ़ का डिस्टेंस अराउंड 25 किलोमीटर है और पवन खिंड का डिस्टेंस अराउंड 60-65 किलोमीटर है। यहाँ आप वाया पनागढ़ पवन खिंड जा सकते हैं। हम लोग ने मोस्ट प्रॉबली डिसाइड किया है कि पवन खिंड पहले जाएंगे, लेकिन देखते हैं कैसा होता है। ये देखो, यहाँ पूरी गन्ने की खेती है। ये कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट गन्ने की खेती के लिए पूरे इंडिया में बहुत ही फेमस है। पनागढ़ ये कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और वो कोल्हापुर से अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर दूरी पे है और इसकी हाइट 754 मीटर है, जो फीट में 2473 फीट है। पनागढ़ का सिचुएशन ऐसी जगह है, वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए शिवाजी के राज्य में इसके महत्वता बहुत ही ज़्यादा थी और यहाँ की फेमस बैटल ऑफ पवन खिंड भी हुई थी, जो बिटवीन सिद्धि जौहर और शिवाजी के सरदार बाजी प्रभु के देशपांडे के बीच में। बाकी यहाँ से आप पवन खिंड की तरफ, जो पवनालगढ़ से अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ से आगे आप अम्बा घाट से नीचे उतरेंगे तो सीधा रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाते हैं। अभी थोड़ी स्टीप चढ़ाई चालू हो चुकी है, पूरा दोनों साइड में ग्रीन फॉरेस्ट है और अभी मौसम भी बहुत ही बढ़िया है। इतनी गर्मी नहीं है, परसों यहाँ बहुत बारिश हुआ था, उसके वजह से गर्मी ऑलमोस्ट निकल चुकी है। हा कुठला घाट आहे? घाट नाही आहे, वळणवळच जातो आहे, पुढे आंबा घाट आहे। पन्हाळ्याला पण हाच रोड जातो ना? हो, मग पन्हाळ्याच जाते, असं गेलं की लगेच पन्हाळा येईल। पहिला पन्हाळा लागणार आपल्याला का? नाही, रूट नसता का? या से रत्नागिरी अराउंड 125 किलोमीटर आहे। बावबंडे, बाव बाब काय होते, 25 किलोमीटर पे।
50 किलोमीटर कुठून जायचं? सीधा 7 किलोमीटर पे पनाला, मलकापूर 29 किलोमीटर. इथे काय आहे पन्हाळा? पन्हाळाचा रोड आहे. हॉटेल बघा जरा, मला भूक लागली. हम लोग अभी पनागढ़ के पहले एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं. यहाँ हम लोग ने वड़ा पाव और कोल्ड ड्रिंक मंगाया है. यहाँ से पनागढ़ अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे होगा, जो हम लोग 5 मिनट में कवर करेंगे. एक्चुअली हम लोग पहले पावनखिंड जाने वाले थे, लेकिन हम लोग ने वो डाइवर्जन है उस वहाँ पनागढ़ के तरफ मोड़े, तो अभी हम लोग वापस पीछे नहीं जाएंगे. हम लोग पहले पनागढ़ एक्सप्लोर करेंगे विद गाइड, और उसके बाद हम लोग पावनखिंड की तरफ जाएंगे. पावनखिंड जो पनागढ़ से अप्रॉक्सीमेटली 40 से 42 किलोमीटर दूरी पे है, और वही रोड आगे आंबा घाट रत्नागिरी जाता है, जो यहाँ से डिस्टेंस अराउंड आंबाघाट से अराउंड 80 किलोमीटर होगा. अभी हम लोग ऑलमोस्ट 20 to 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, और ये स्टीप चढ़ाई है. यहाँ आई थिंक अराउंड 30 किलोमीटर के आसपास हम लोग पावनखिंड के यहाँ पहुँच जाएंगे. माझा याचं हे गेलो. हे जे आमोस आहे ना,
ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है। देखो यहाँ बहुत से रिसोर्ट फार्म हाउस भी है ऑलमोस्ट। आई थिंक ये तालुका पन्हाड़ा तालुका ही होगा, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। रोड और आजू बाजू का एरिया देखिए पूरा, अभी बारिश इतनी हुई नहीं तो भी बहुत ग्रीन एरिया है, तो बारिश में तो टोटली ग्रीन होता होगा। ऑलमोस्ट पन्हाड़ा के यहाँ पहुँच चुके हैं। देखो नीचे लेफ्ट साइड में, मेरे राइट साइड में वैली है। तो देखो किले पन्हाड़ा का बोर्ड है यहाँ, एक पानी की टाकी भी है नीचे। प्रभूचा पुता ये हम लोग पन्हाळगड के अंदर के एरिया में है। यहाँ छोटे छोटे गांव भी है। ये देखो सामने बाजी प्रभु का स्टैचू है। हम लोग अभी पन्हाळगड पर पहुंच चुके हैं। ये पन्हाळगड के मेन सर्कल में हम लोग पहुंच चुके हैं। यह बाजी प्रभु देशपांडे का भी स्टैचू है। फिलहाल मैं ढूंढ रहा हूँ पार्किंग के लिए जगह, क्योंकि यहाँ नीचे भी पार्किंग है लेकिन वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, उसके वजह से बंद है। और आज संडे के होने के वजह से यहाँ जरा ज़्यादा ही भीड़ है, क्योंकि अप्रैल में की समर वेकेशन चालू है उसकी वजह से। और कोरोना अभी इतना ज़्यादा नहीं है तो लोग अभी 2 साल के बाद बाहर घूमने के लिए बाहर निकल चुके हैं। अभी देखते हैं ये पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद मोस्ट प्रोबेबली हम लोग गाइड करेंगे, क्योंकि पन्हाळगड के जो पॉइंट्स है वो टूरिस्ट पॉइंट है वो इतने भी नज़दीक नहीं है, क्योंकि इसकी तटबंदी अराउंड 8 किलोमीटर है। तो कैसे जाने का वो भी हम लोग देखेंगे, कुछ ऑप्शन अलग ऑप्शन मिलता है क्या गाइड के साथ। मेरा बाकी पन्हाळगड का टूरिस्ट स्पॉट का वीडियो सेकेंड पार्ट में आएगा।